हेलो दोस्तों, रियल नंबर्स का ये पार्ट टू है। हमने पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन किए थे, पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर जो वो 3m 3m+1 की फॉर्म का होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। पहले तो वो पॉजिटिव इंटीजर क्या पता लगाएंगे क्या। ठीक है, मान लिया हमें नहीं पता वो। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। तो अब देखें यहाँ पे ये थ्री है। थ्री क्या हो गया इसका डिवाइजर। ऑन डिवाइडिंग ए बाय थ्री, ए को जब थ्री से करेंगे, लेट क्यू इज क्वोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, ए को जब हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है हमारा, क्यू क्वोशेंट आता है, आर रिमाइंडर आता है। ठीक है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा कहो या एल्गोरिथम, एक ही चीज़ है। ठीक है, क्या होता है, जो नंबर होता है इक्वल्स टू, है ना, डिवाइजर, डिवाइजर मेरा थ्री है, इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है जीरो से लेके डिवाइजर से डिवाइजर तक होती है, डिवाइजर से कम तक होती है, डिवाइजर मेरा थ्री है। तो आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी मेरी, 0, 1, 2, 3 नहीं होगी, 3 से छोटा रहेगा। ठीक है, 2 तक। तो ए कोस्ट मेरा क्या क्या आ गया, 3q। ठीक है, 3q+0, 3q+1 एंड और लगा लिखते हैं 3q+2। ठीक है, ये हमारे नंबर्स होंगे। अब हमें दिखाना कि हर एक पॉजिटिव उसका इस वाले नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैन ए इक्व टू 3q, 3q+0 3q होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो क्या होगा, 3, ये हो जाएगा 9, 9q2। ठीक है, तो मैं ए स्क्वायर इक्व टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3q2 लिख सकता हूँ मैं। और ए इक्व टू, मैं 3q2 की जगह हम कुछ और मान लेंगे, मान लो m मान लिया। ठीक है, वेयर m क्या है मेरा, 3q2 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, पेज कम है तो मैं नेक्स्ट पेज के पहले लिख देता हूँ। देखिए, वैन ए इक्व टू कितना, 3q+1, ये वाला 3q+1। अब इसका स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q+1 का स्क्वायर क्या होगा मेरा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन करेंगे इसको, +1 + 6q। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, 3 कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3q² + 2q+1। ठीक है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, इसको मैं फिर क्या मान लेता हूँ, एम। ठीक है, वेयर एम इक्वल टू 3q² + 2q, ठीक है, इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए अभी तक दोनों पार्ट हमारे ठीक आए। वैन ए इक्वल टू, थर्ड क्या आया था मेरा, 3q+2, 3q+2 के लिए करेंगे, देखेंगे वो इसको रिप्रेजेंट कर पाता है या नहीं। अब देखिए, स्क्वायर करो दोनों साइड, 3q+2 का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर 9q² + 4 + 4 12q। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए यहाँ से देखिए तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ से 3 भी कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3q² + 4q + 4। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा, कहा उसने,
वो 3m और 3 + m + 1 का फॉर्म का होता है। अगर मैं इसकी जगह m ले लेता हूँ, 3m + 4, तो ये 3m और 3m + 1 की फॉर्म का तो है नहीं, ठीक है। तो a क्वेश्चन 3³ + 2 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन को ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर इज डिवाइडेड बाय 3, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कह रहा एन या इन तीनों में से कोई एक हमेशा डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। एन अगर कोई एक भी पॉजिटिव इंटीजर हो, लेट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें नंबर दे दिया, ठीक है, अब हमें नंबर गिवेन है, तो क्या करेंगे, डिवाइजर मेरा कितना कितना हो गया, डिवाइजर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, डिवाइजर लेट पहले 3 से डिवाइड करना, तो डिवाइजर हमारा 3 हो गया। नंबर कितना हो जाएगा मेरा, एन है, ठीक है। ए आपके ए तो मानने के जो थे नहीं, ऑलरेडी नंबर कह दिया उनने, एन एन इक्वल्स टू 3³ r, ठीक है। लेट एन इज, इसने ऑलरेडी गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर, होगा ना, होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कैसे करना, एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आगे, वेन ऑन डिवाइडिंग एन बाय 3 लेट वी गेट क्यू एज क्वोशेंट एंड आर एज रिमाइंडर, देन क्या होगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, 3 डिवाइजर हो गया, क्यू रिमेंड क्यू सेंट है, आर रिमाइंडर हो जाएगा, और रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी 0 से लेके 3 तक होगी, यानी आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, 0, 1 और 2, ठीक है। इन वैल्यू को इसमें लगाएंगे तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3³ 0 और 3³ 1 और 3³ 2, ये होगा। तो एन इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, 3³ 1 और 3³ 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 केस हैं, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर, इनमें जब जब ये नंबर होंगे इनमें से कोई एक 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहले मैं एन इक्वल्स टू 3 क्यू लेता हूँ, फिर चेक करूंगा वो एन से एन वाला नंबर है या एन प्लस टू वाला नंबर है या एन प्लस फोर वाला नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, देखिए इधर पहला केस वन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं केस फर्स्ट। तो क्या होगा, वेन एन इक्वल टू, पहला नंबर क्या है मेरा, 3 क्यू, है ना, ये रहा 3 क्यू। तो क्या होगा, हमारे पास 3 केस है, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर, तीनों के लिए हमें चेक करना, तो करेंगे देखिए। तो एन पहला केस एन के लिए, एन इक्वल्स टू 3 क्यू, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज, ये तो 3 से डिवाइड है, इट इज डिवाइजिबल बाय 3, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा, एन प्लस टू और एन प्लस फोर के लिए चेक करना, तो एन के लिए हो गया, एन प्लस टू नेक्स्ट नंबर है हमारा, तो एन प्लस टू, तो ये भी टू टू ऐड करेंगे दोनों साइड, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ ये 3 से डिवाइड, ये एक नंबर है, ठीक है, एन प्लस टू, इसको मान लो ये एक्स नंबर है, तो क्या ये डिवाइड हो पा रहा है क्या। अब हम देखें डिवीजन एल्गोरिथम से, 3 डिवाइजर था, क्यू क्वेश्चन था, आर रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा, 2, यानी ये पूरा नंबर क्या डिवाइड नहीं हो रहा एन प्लस टू से, ठीक है, 3 से, सॉरी। तो इट इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 3। एन प्लस फोर के लिए चेक करेंगे कितना हो जाएगा, 3³ + 4 हो जाएगा, क्या ये हो पाएगा 3 से डिवाइड, नहीं नहीं हो, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा, देखे मैं क्या लिखता हूँ इसको, 3³ + 3+1 लिख सकता हूँ मैं, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, क्यू प्लस वन बचेगा प्लस वन। अगर मैं इसको कोई और इंटीजर मान लूँ, मान लो m मान लिया,
तो 3m+1 रिमाइंडर स्टिल क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या पता चल गया, n n प्लस 2 n प्लस 4 में से कौन सा डिवाइज किससे डिवाइजिबल है, बस n n वाला नंबर डिवाइजिबल है। ठीक है, केस टू में क्या होगा, r की वैल्यू 1 हो जाएगी। केस टू हमारा ये रहा 3q+1, 3q+1 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3q+1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर रख देता हूँ। अब देखिए तीनों के लिए चेक करना, n इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मेरा n है, क्या ये डिवाइजिबल है 3 से, नहीं है। देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा, तो इट इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या, n प्लस 2, तो 3q+1+2 दोनों तरफ ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, 3q+3, 3 कॉमन, q+1, इट q+1 को मैं क्या मान लेता हूँ, कोई इंटीजर मान लेता हूँ। ठीक है, मान लो m मान लिया, तो ये 3m हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिवाइजिबल बाय, इट इज डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा n+4, n+4 को चेक करूंगा मैं, हमारा क्या 3q+1 था नंबर, इसमें 4 और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3q+5। अब देखिए इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं ये भी हो पाता है या नहीं। 3q+3+ मैं 2 लिख ले लेता हूँ, इसको 3 कॉमन है यहाँ से, q+1 बचेगा प्लस 2, अगर मैं इसको m मान लूँ। ठीक है, ये अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा 2, तो ये इट इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। देखिए पहले केस में क्या, एक एक बार डिवाइड हुआ था पहले वाला, बाकी दो से नहीं हुआ था। सेकंड केस में क्या हुआ, इसमें भी एक बार एक से डिवाइजिबल हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे हुआ, इससे भी नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड केस में ऐसे चेक करेंगे, केस थर्ड, एन इक्वल्स टू मेरा नंबर कितना, 3q+2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो गया 3q+2, क्या ये डिवाइजिबल है, नॉट डिवाइजिबल बाय 3, क्योंकि 2 रिमाइंडर है इसमें। अगला क्या चेक करना है मेरा, n+2। ठीक है, तो 2 ऐड करेंगे, 3q+2+2 ये कितना हो जाएगा, 3q+4, मैं अगेन वही लिखता हूँ, 3q+3+1 लिख सकता हूँ 4 को, 3 यहाँ से कॉमन लूँ, q+1+1, q+1 को मैं m मान लेता हूँ, क्या ये डिवाइजिबल है 3 से, नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, तो नॉट डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है, अगला क्या चेक करेंगे, n+4 के लिए हमारा नंबर क्या, 3q+2, 4 और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3q+6, तो क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन यहाँ से, q+2, और q+2 को मैं कुछ नंबर मानता हूँ, m मान लिया। ठीक है, तो ये तो डिवाइजिबल है 3, तो इट इज डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है, हर केस में हमने देखा एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई भी दो नंबर से डिवाइजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिवाइजिबल बाय 4। देखिए जो x² + y² होगा वो इवन होगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए क्या करेंगे, x और y दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का फॉर्म क्या होता है, 2q+1 की फॉर्म का होता है। ठीक है, लेट x = मैं मान लेना 2m+1। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म है, एंड y = 2n+1 ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म है। ठीक है, हमसे कहा इन दोनों का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर किया, x² + y² 2m+1 का स्क्वायर और 2n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या क्या कह रहा है, ये आएगा मेरा क्या, ओड आएगा, लेकिन सॉरी ये इवन आएगा लेकिन डिवाइजिबल नहीं होगा 4 से। ठीक है, देखते हैं, इसको ओपन करो, 4m² + 1 + 4n² + 1 + 4n। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो m² + n² + m + n
वन प्लस वन टू, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को मैं इस वाले इसे मैं क्या कोई नया वो मान सकता हूँ, नया नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। मान लिया पी, मान लिया मैंने इसको, ठीक है, कोई नया इंटीजर मान लो, वेयर पी इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ, तो टू पी प्लस वन बचा, अगेन टू पी प्लस वन को समथिंग मान लूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज डिवाइजिबल बाय टू, इट इज डिवाइजिबल बाय टू, ये टू से डिवाइजिबल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, ठीक है। तो ये इवन है, क्या ये फोर से डिवाइड है, फोर से नहीं है, ठीक है। फोर अगर बाहर आता तो फोर से डिवाइड हो जाता, ठीक है, बट नॉट डिवाइड डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। इतना सब इतना कुछ करना था। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके थैंक यू।